हैप्पी होली गाइज। आप आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे से होली मना रहे हैं और आप लोगों को मैं बोलना चाहती हूँ और बहुत ही जो है कंडीशन देख रहे हैं कोरोना की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है कंडीशन ख़राब हो गई है, तो लोगों से कम मिलते हुए जो है होली खेलना और अच्छे से होली खेलना। और हम जा रहे हैं आज अपने मायके, भाई लेने आया है, तो हम लोग अपने भाई लोगों के साथ में जो है जा रहे हैं घर होली खेलने। सुबह से प्लान नहीं बना था, 3-4 बज गया है तो फाइनली ताला लग गया है हमारे घर में और हम निकल रहे हैं घर। देखिए जा रहे हैं सब लोग, भाई लोग, तो हम लोग जा रहे हैं होली खेलने। सुबह जो होली हम लोग ने खेल लिया है वैसे खेलने के लिए, पर अभी जो है अब जाने वाले हैं हम बुढ़ार। तो कौन किसके साथ बैठ रहा है? देखिए फाइनली जो है सब लोग तैयार हो गए हैं बाइक में चलने के लिए। बाय जी, हम लोग निकल रहे हैं। तो चलिए हम जो है चलते हैं अब सीधे अपने मायके। आगे का व्यू आपको दिखाते चलूंगी मैं। देखिए हम घर से तो निकल गए हैं पर काफ़ी जो है बंद का माहौल दिख रहा है, लग ही नहीं रहा है कि त्यौहार है, आज होली है। कोरोना की वजह से लॉकडाउन जो है लग चुका था और होली पर प्रतिबंध था, कहीं ना कहीं उसका असर आपको देखने को मिलेगा। सारी दुकान जो है बंद है, कोई भी दुकान देखने को नहीं मिल रही है। और देखिए यहाँ पर पुलिस जो है लगी हुई है, यहाँ चौराहा है इसलिए, तो सभी दुकानें, कहने का मतलब ये है कि लॉकडाउन जैसा माहौल है और होली में जो है कोई बाहर निकलते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। मैं आपको बहुत ही ख़ास होली दिखाने वाली हूँ और ये है अनूपपुर का बस स्टैंड जहाँ पर कुर्ता फाड़ होली हुआ है। बस स्टैंड देख ही पा रहे हैं, पूरा खाली है बस स्टैंड। और बाप रे, यहाँ इतना कपड़ा, और देखिए ऊपर में और कपड़ा देख रहे हैं कितना कपड़ा फाड़ हुआ है यहाँ पर। होली खेला गया है, जब खेले है ना कुछ इतना फाड़ फाड़ के जो है होली खेला गया है उसी का है। और भी आगे भी बहुत ज़्यादा होली खेले हैं लोग बाग, और जो कि ये कपड़ा वाला होली है, होली खेलते खेलते जो है उन्होंने एक दूसरे का कपड़ा भी फाड़ दिया है। देखिए ऊपर ऊपर देखिए वायर में कितना कपड़ा जो है पड़ा हुआ, ये सब जो है होली की वजह से है। होली खेलते खेलते जो है एक दूसरे का कपड़ा, देखिए ये बिना कपड़े का घूम रहा है ये बंदा जो है, तो उसका भी कपड़ा जो है कहीं ना कहीं फटा होगा होली में। तो इस तरीके से यहाँ पर होली मनाई गई है और सभी दुकानें जो है बंद है। ये जो है मंदिर है जय माता दी। और चलिए अब फटाफट से मैं आगे का व्यू आपको दिखाती हूँ। शाम का समय है, फिर भी जो है काफ़ी धूप लग रही है। 5 बज रहा है अभी शाम को और मेरा बेटा जो है पीछे आ चुका है अभी, और काफ़ी जो है इधर से उधर से झांक झांक के वो देख रहा है। तो देखिए मेरा कृषु कितना प्यारा लग रहा है, और इसे हमने फाइनली बीच में बैठा लिया है और अभी ये होली मनाने अपने भाई के पास जा रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा खुश है ये भी। तो चल रास्ते में दिख रहे हैं सभी आम लगे हैं और इसमें जो है बहुत लगता है।
फाइनली जो है हम पहुंच चुके हैं घर और काफ़ी ज़्यादा यहाँ होली खेल रहे हैं। देखिए 5 बज रहा है, शाम का 5 बज रहा है, फिर भी लोग अभी होली खेल ही रहे हैं, होली खेलना बंद नहीं किए हैं और हम खेलने वाले हैं कल होली। और देख रहे हैं पूरा भूत बन गया है, काला काला दिखने लग गया है लोगों का चेहरा, तो काफ़ी ज़्यादा होली खेल रहे हैं और हम फाइनली जो है घर में चलते हैं। और देखिए घर हम पहुंच चुके हैं और ये है मेरी भाभी जो कि भाजी चुन रही हैं, वो भी मेथी भाजी चुन रही हैं। और हम जो है फाइनली आ चुके हैं और मेरा बाबू जो है रंग से परेशान हो रहा है। खुश रहो। मैं हूँ, ये मेरी दीदी है और ये हमारी होली हो रही है, होली ये हम हैं और ये हमारा रंग है और यहाँ पर होली हो रही है, होली हो रही है, होली हो रही है। होली हो रही है। अरे बदमाशी, कृषु पिचकारी को तोड़ तुड़ा के अब उसको पटाखा बना के अब कृषु होली में दिवाली मना रहा है और पिचकारी को फटाका बना लिया है, वो रॉकेट फटाका। और देखिए जला रहे, अरे फूट तो जाएगा बेटा, माचिस बोल रहा है, देख रहे होशियार चंद को। एक और भाई आ गया है, मेरा भतीजा ऋषु। फूट जा भाई।